नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। भारत विकास परिषद शिवम शाखा में महिला पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। भारत विकास परिषद के शिवम शाखा में चुने हुए सदस्यों का 26वां पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन मंडू आहिडी स्थित एक होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुचरिता दास गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। रूपम जिंदल, नूपुर अग्रवाल, अनुपमा शाह, वर्षा चौधरी, वेणु अग्रवाल ने गणेश वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रांतीय महासचिव नमित पारिक ने चुने हुए पदाधिकारियों सुमन अग्निहोत्री अध्यक्ष, शोभना गोयल सचिव, गीता गुप्ता कोषाध्यक्ष एवं महिला संयोजिका नविता पारिक को पदभार ग्रहण कराने की शपथ दिलाई। भावी पश्चिम शाखा में 11 नए सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। अतिथियों का स्वागत सुगंधा एवं अवंतिका लिपिका लगाकर किया। संचालन मनोज अग्रवाल, वर्षा चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलू दीक्षित ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन मनोज अग्रवाल, आदेश तिवारी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री सुदीप टंडन, संतोष कुमार अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, रविशंकर खंडेलवाल, अमरनाथ अग्निहोत्री, विपिन अग्रवाल, गीता खंडेलवाल, मीरा चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। जी मैम, आज किस प्रकार के दायित्व ग्रहण समारोह में आपका आगमन हुआ? जी आज भारत विकास परिषद शिवम में आई हूँ और ये स्पेशल है कि आज महिलाओं का महिलाएं पदाधिकारी बन रही है और पद के आसन हो रही है, तो उसके लिए बड़ी खुशी है। और मैं चाहूँगी कि सारे पूरे साल भर वो महिलाओं के लिए भी सोचे और सब जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आद्रम, मैं सुभाषन पिंपरी, अभी वर्तमान सत्र 2024-25 के लिए शिवम शाखा के अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है और मैं अपनी ओर से पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस दायित्व का निर्वाह करूंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत विकास परिषद एकमात्र संगठन नहीं है, ये एक ऐसी विचारधारा है जो सतत रूप से हमारी संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य करती है और करती रही। ये गंगा कभी नहीं रुकती है और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसमें कुछ अपनी सेवा अर्पित कर पाऊँगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलू दीक्षित भारत विकास परिषद के 26वें दायित्व ग्रहण समारोह में यहाँ से उपस्थित सभी जो लोग हैं उनके विषय में थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ। भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है जो विवेकानंद के द्वारा उनका प्रारंभ किया गया था इस संस्था का, और उसके बाद से लगातार जो इसके ब्रांचेज हैं वो पूरे हमारे भारत में सक्रिय हैं। अभी तक लगभग 32 शाखाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। ये शिवम शाखा है और मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मैं उनसे भी आपका परिचय कराना चाहती हूँ। ये हैं सुमन अग्निहोत्री जी, तो ये भी।